नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के बालाघाट में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन हड़ताल। हड़तालरत संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने आज CMHO कार्यालय बालाघाट पहुंचकर ज्ञापन के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इस संदर्भ में संगठन के उपाध्यक्ष संजय तुरकर ने बताया कि प्रदेश के 19,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। उन्होंने कहा कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शासन को कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब तक हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया, जिसके कारण आज संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को सड़क पर उतरकर विरोध जताने पर मजबूर होना पड़ा। हमारी प्रमुख मांग संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह वेतन प्रदान किया जाए। वहीं जिन आउटसोर्स कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से हटाया गया है, उन्हें पुनः वापस लिया जाए। इन संविदा कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से इस महामारी के दौर में निश्चित ही जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ेगा और विकट समस्या भी पैदा होगी, क्योंकि पहले से ही स्वास्थ्य विभाग के पास स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी है। बालाघाट संवाददाता नीरज काकोटिया की रिपोर्ट। अच्छा भैया, जैसे आज क्रांतिव्यापी आप लोगों की जो हड़ताल चल रही है, इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है और क्या मांगे हैं आप? हम लोगों की दो प्रमुख मांगे हैं। पहला ये है कि मध्य प्रदेश शासन ने जो 5 जून 2018 को जो हमारी एक नीति बनाई थी, संविदा नीति, जिसमें संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी के समकक्ष 90% दिया जाने का प्रावधान किया। सरकार ने बहुत सारे विभागों में लागू कर लिया और NHM के जो कर्मचारी हैं विगत 15 वर्षों से 16 वर्षों से जो काम कर रहे हैं, इन्हें लागू नहीं किया गया। हमने कई बार ज्ञापन दिया, हमने उच्च अधिकारी को, मंत्रालय में, सभी जगहों से हमने याचनाएं की, प्रार्थनाएं की कि हमारी जो नीति है आपने जो बनाया है वो दीजिए हमें। उन्होंने नहीं दिया। कोरोना काल के दौरान हमने 2020 से लगातार आज दिनांक तक कोरोना काल में हमने काम किया, इस बात को जानते हुए कि आज हमें अब मेहनत कर रहे हैं, हमें मिलेगा। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि हमारी बहनें, हमारे भाई लोग जो विगत वर्षों से काम कर रहे हैं, अपने जी जान लगा रहे हैं, हथेली पर जान रख के काम करने के बाद भी आज बहुत कम तनख्वाह पे काम करना पड़ रहा है। इसीलिए सभी भाइयों ने ये जागरूक हुआ कि आज ये सही समय है कि कोरोना जो है हमारा ग्राफ नीचे आ गया दूसरी लहर का, अब हमें जागरूक होना चाहिए। जिस तरह से हमने उनको बचाया, उस तरह से अपनी लाइफ को, अपने जीविका को, अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए आज हमें सड़क पर आना है, ताकि हम 90% अगर वेतनमान लेते हैं तो हमारा परिवार सुरक्षित होगा। इसीलिए हमने, और दूसरी हमारी ये थी कि 2017 में हमारे कुछ साथियों को बाहर निकाल दिया गया था। इस दमनकारी नीति के द्वारा बिना कारण, बिना वजह से उनको बाहर निकाल दिया गया था। क्योंकि सरकार में, आप भी जानते हैं, पूरा मीडिया जानता है कि स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य कर्मचारियों की कितनी ज़रूरत है, उसके बाद भी हमारे कर्मचारी को प्रताड़ित करके अप्रेजल देकर के निकाला गया। तो आज हमें रोड पर आना पड़ा, हड़ताल करना पड़ा। बड़ी विडंबना है कि इस महामारी में भी, इस महामारी के दौर में भी हमें अपनी व्यथा बताने के लिए सरकार को बार बार चेतावनी देने के बाद भी, क्योंकि 17 तारीख से हम लोग चेतावनी दे रहे हैं, चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं, कभी हमने काली पट्टी बांधी, कभी हमने ज्ञापन सौंपा, लेकिन सरकार नहीं चेत रही है। इसलिए हमारे 19,000 स्वास्थ्य कर्मचारी मजबूरन आज हड़ताल पे हैं, और इसका जो मुख्य कारण यही है कि हमारे 90% की जो मांग है वो लागू की जाए और हमारे जो संविदा साथी जिनको बिना कारण के बाहर किया गया है उनकी निष्कासितों की वापसी हो। अच्छा, आपके जो संगठन में प्रदेश संगठन, जैसे इंदौर और काफ़ी कुछ जिले ऐसे हैं।